Hello everybody, मैं हूँ ऋत्विक धनजानी. Welcome once again to बिंदास ये है आशिकी. Well, हमारी जितनी भी कहानियाँ होती, जितनी भी लव स्टोरीज हैं, वो कैसी भी हो, happy, sad, inspirational, कैसी भी, लेकिन उनमें हमेशा एक मैसेज जरूर होता है जो हम आप तक पहुँचाते हैं. Well, हमारी जो आज की कहानी, वो एक आईना है डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी का. I must show you how. Let's have a look. छोटू बाबू आ गए. ओह छोटू बाबू, हाउ क्यूट. ऐसा कुछ भी है जो तुझे अभी के बारे में क्यूट ना लगता हो? ओह तुम जेलिस फील कर रहे हो क्या सैम? अरे मेरे बच्चों, देखो ये मेरा घर है और मैं जानता हूँ कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लेट्स जस्ट ट्राई एंड बिहेव लाइक अदर्स. ऑलराइट ओके. हां पिशिमा. अरे पिशिमा का याद नहीं आया? अरे ईशो ईशो, इतना दिन हो गया तुझे देखे हुए. फनी हाँ. पिशिमा ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये है सैम और ये है जो. चलो नमस्ते करो. हाँ वो भी लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते. अरे बस 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 उठो. वैसे ये कैसा नाम है तुम्हारे? माँ बाप ने तुम्हें अच्छे नाम तो दिए होंगे ना? पिशिमा ये ग्लोबल नेम्स, आजकल ना पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया. हाँ ठीक है, फिर भी दुर्गा पूजा देखने नरेंद्रपुर आते हो ना तुम और तुम्हारे ग्लोबल फ्रेंड्स. पिशिमा से कभी कोई नहीं जीत सकता, मैं तो कोशिश भी नहीं करूंगा. चलो ईशो. खूब बड़ो दिन एसेछो तुमरा. आज महालय है, आज के दिन ही देवी की प्रकट हुई थी धरती पर. अभिजीत के माँ के बाद मुझे पहले जैसा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी देवी का स्वागत तो करना ही पड़ता है ना. माँ कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल देवी माँ जैसी. पूरो देवी, वो तो एक औरत भी थी और देवी भी. कहते हैं ना कि हर औरत में देवी का वास होता है, इसलिए हमेशा औरतों का सम्मान करना चाहिए. समझे? समझे छोटू बाबू? सॉरी पिशिमा. तू यहीं खड़े होकर बोधी को याद करेगा, जा बाबा से मिलने जल्दी. बाबा से? हाँ. मैं पिशिमा, आपको क्या हो गया? आप खुद कह रहे हैं कि मैं गब्बर के कमरे में जाऊं. शैतान. अरे पिशिमा पिशिमा सॉरी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ. क्या? पापा. अरे वेलकम एडवोकेट अभिजीत सरकार जी. आओ आओ. अभी कहाँ एडवोकेट पापा, अभी तो पूरा एक साल पड़ा है और एक साल अप्रेंटिस भी है. अभी मैं लॉयर बनने से बहुत दूर. अरे अगर मैं नरेंद्रपुर के लोगों को यह भी बोल दूं कि मेरा बेटा जज है तो भी वो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे. फिर बेकार में क्या डिग्री के चक्कर में टाइम वेस्ट करना. वापस लौट आओ और यहाँ हमारे बिजनेस को संभालो. अब मुझसे अकेले ये बिजनेस नहीं संभाला जाता बेटा. पापा मुझे यहाँ आए हुए 10 मिनट हुए,
ये सारे जो भी प्लान्स हैं ये सब हम आराम से डिटेल में बाद में डिस्कस करें प्लीज। ठीक है, बट किसी ना किसी दिन तुम्हें हमारे बिजनेस को संभालना ही होगा। बाबा मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो बाहर हैं, तो मैं अब। बाबा बाबा, वो आदमी कौन था? कौन? वो जो आदमी था ना, अभी गया यहां से। लाखन, वो हमारे जो फॉर्म्स है ना उनकी देखभाल करता है। अब बाबा, और जो लड़की थी उसके साथ, उसके साथ बाहर भी कुछ लड़कियां देखी थी मैंने, वो सब कौन है? वो पास के गांव से आती हैं पूजो में काम करने के लिए, उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और हमारा भी काम हो जाता है। अच्छा, तेरा फेवरेट मिठाई है, मैंने खुद बनाई है, खा के तो बता कैसा बना है। अमेजिंग पिशिमा, अमेजिंग। मैं तो कहता हूँ आपसे, आप ना इसका बिजनेस शुरू कर दो, आप ये बना के मुझे दिल्ली भेजते रहो, बेचने की गारंटी मेरी। अरे तुम ही खाओ। पिशिमा, ये लाखन कौन है? कुछ लड़कियां भी थी उसके साथ। अरे वो तुम्हारे जमींदार बाबा के पास कतो लोग काम करते हैं, मैं थोड़ी ना सबको जानती हूँ। अरे चलो म्यासची, बहुत काम पड़ा है, पूरा मिठाई खत्म करना होगा, ठीक है? चोरी कर रहे थे मेरे कमरे में, भाग ना जाए इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया था, देखा मौका निकलते ही भाग गई। लाखन, लाखन, यारे नेटवर्क के बिना जिंदगी कितनी सुनी हो जाती है ना, आज जाकर पता। और मुझे गांव में रहना नहीं आता है, है ना? इसे क्या हुआ? हेलो, खिड़की खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अभिजीत है, मैं वो के बेटे, मैं दिल्ली से आया हूं।
यहाँ मेरे बाबा के घर पे क्या चल रहा है, आई डोंट नो। और तुम्हें यहाँ पर इस तरह से क्यों रखा गया है ये भी नहीं। देखो मैं ऐसे जोर से बात नहीं कर सकता, प्लीज ऐसे खिड़की के पास आ जाओ, मैं तुमसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, प्लीज। नाम क्या है तुम्हारा? नहीं बताना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मिष्टी। ये तुम्हारी डॉल, उस दिन गिर गई थी ना तुम्हारे हाथों से। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये डॉल तुमने बनाई है? नहीं, माँ ने। मैं इसे अपने पास से कभी भी दूर नहीं रखती हूँ। जब ये पास होती है तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये माँ साथ है। वैसे तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया? कहाँ से आई हो तुम? मैं पास वाले गांव से आई हूँ। मेरे माँ बाबा के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। दुलाखा ने उनसे कहा कि वो मुझे यहाँ पर लाकर किसी के घर पे काम पर रखवा देगा। ये खाना बनाना, घर संभालना, ये सारे काम। उसने उनको 10,000 रुपये भी दिए, वो मान गए। उसने बाकी लड़कियों को भी यही बोला था। फिर यहाँ आकर पता चला कि वो लड़कियों को दूसरे शहर जाकर बेचता है गलत काम के लिए। I knew it. उस कमीने लाखन को मैं सिर्फ एक नौकर है, वो अपने मालिक के हुक्म पर चलता है। और उसके मालिक तुम्हारे बाबा है। बाबा? वो 8 लड़कियों को लेकर यहाँ आया था। 2 को तो आज सुबह ही कहीं भेज दिया है और बाकियों को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। मुझे भी मिष्टी, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? मेरे बाबा इतना गलत काम, लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं बाहर। और इसी इज्जत की यार मैं मुझ जैसी लड़कियों के साथ। इज्जतदार लोगों के हाथ में भी उतना ही वजन होता है बाबू। मिष्टी मैं, I'm sorry। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ तो मैं यहाँ से निकालूंगा। लगता है लाखन आ गया। देखो मिष्टी तुम घबराना मत, किसी से कुछ मत कहना, मैं वापस आऊंगा। अभी पूजो की तैयारी कैसी चल रही है? शॉप भालो। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अकेले क्या बात है? अबे ये लड़कियां कौन है? अबे तुम मेरे बिजनेस से दूर रहना चाहते हो, मैं समझता हूं यही ठीक रहेगा। पूजा में घर आए हो तो एंजॉय करो अर्चा। मैं जानता हूं ये कौन है और क्या क्या कर रही है। You are disgusting that. हम कितने हिपोक्रिटिकल होते, क्योंकि एक तरफ तो हम औरत को देवी माँ का दर्जा देते हैं, जिसमें हम उन्हें एक बहुत ही ऊंचे पायदान पर बिठाते हैं, और दूसरी तरफ हमारी आंखों के सामने औरतों के साथ तरह तरह का इनजस्टिस होता है। और अभिजीत के लिए भी ये सब कुछ टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो गया। He was shocked and he was determined।
कि उसे ये इनजस्टिस रोकना था किसी भी हालत। कि वो लड़के को दूसरे शहर जाकर बेचता है। You are disgusting that. लाखन, अभिजीत यहाँ आया था? नहीं दादा। उसे इस जगह के बारे में पता तो नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं पता। ठीक है, ख्याल रख। आज षष्ठी पूजो है, देवी माँ का मिष्टी मुंह दिखाएंगे, लेकिन अभिजीत कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मेरा नाम अभिजीत सरकार है, मैं विश्वजीत सरकार का बेटा हूँ। वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते हैं सर। सर ये लड़की को मैं वहीं से भगा के लाया हूँ। सर ये लड़की और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें उन्होंने कहीं छुपा कर रखा है। हमें जल्दी इसी किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा सर, प्लीज। एक सेकेंड रुको, मुझे पुलिस स्टेशन में अपडेट करना होगा, तुम यही रुको। अरे विश्वजीत बाबू, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उन्हें यहाँ पर बैठा के रखूंगा। बस आप जल्दी से किसी को यहाँ पर भेज दीजिए। देखिए, अगर मेरे सीनियर तक बात गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, तो मैं ऐसा करो, उसे वहाँ बिठा के रखो, मैं अपने आदमी लेके वहाँ आता हूँ। मिस्टी, चलो। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। Hey, रुको! रुको! चलो बस में, बस में। चलो, हाँ। कहाँ?
दो हल्दियापुर के हमें भी टिकट देना, वो पूजो है ना वो अटेंड करने जाना है। अरे भाई पूजो में जाना हो या समंदर में कूदने, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस टिकट ले लो। दीजिए ना। ये लीजिए, लाओ मुझे भी दो। आज तुम्हारी इस डॉल ने ना हमें फंसा दिया था, वो भी बुरी तरह से। बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी ये जहाँ होती है ना वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। राइट। अरे ये पैर पे कैसे लग गया? अरे तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो बस आदत हो चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं, मुझे लगा था पुलिस स्टेशन जाने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं जानता था मैं कि मेरे पापा के पैसों की ताकत पुलिस की ताकत से बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा मुझे आसानी से जाने देंगे? मिष्टी तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसी जगह से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। मैं इंसान पहले हूँ, गरीब बाद में। मैं लड़की हूँ, कोई सामान नहीं जिसे बस बेच दिया जाए। मैं भाग जाना चाहती हूँ। That's it। तो हो गया फैसला। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल। तुम्हें अपने साथ दिल्ली ही क्यों न ले जाना था? दिल्ली? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबू? और आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद मेरे ये करने से मेरे पापा ने जो पाप किए हैं वो थोड़े से कम हो जाए। लेकिन जब पाप उन्होंने किए तो उसकी सजा भी तो उन्हीं को मिलनी चाहिए ना। बाबू नहीं कुछ नहीं। इंसान को पता हो ना कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है तो वो काम करने की करेज खुद ब खुद आ जाती है। मिष्टी के साथ हो रहे गलत बिहेवियर को वो रोकना चाहता था और किसी भी हालत, लेकिन इन सारी चीजों के दौरान एक चीज बदलती जा रही थी और वो ये थी कि वो जैसे जैसे मिष्टी के लिए प्रोटेक्टिव होता जा रहा था वैसे वैसे मिष्टी के लिए उसका प्यार भी बढ़ता जा रहा था। आशिकी हो रही और मिष्टी मिष्टी के लिए ही वाज गॉड सेंट। अरे ओबी किधर है तू? पूजो कब से शुरू हो गई है? पिशिमा मैं इस वक्त आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता, बस आपसे कुछ कहना था इसीलिए फोन किया। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, बचपन से सिर्फ आपको देखा है और आपने हमेशा मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, बस इसीलिए मैं मिष्टी को वहां से लेकर निकल गया। तू कितना बड़ा हो गया बेटा, तुझे ऐसे बात करते हुए सुनके खूब अच्छा लग रहा है। जा तू सच के लिए लड़, देवी माँ तुझे ताकत देगी। मेरा और देवी माँ का दोनों का आशीर्वाद है तेरे साथ। जा बेटा। थैंक यू पिशिमा। और हाँ हाँ आप जो और सैम को तुरंत दिल्ली के लिए निकलने के लिए कह दीजिएगा। बोल दूंगी। ओके बाय। तो तुम्हें सब पता है राइट? अब बोलोगी कि सब मेरा गलती है। मानता हूं
मेरा सबसे बड़ा गलती यह है कि उसे दिल्ली भेजा। पता नहीं क्या बकवास सीख कराया है। अरे हम जमींदार लोग हैं, हमारा रहन सहन तौर तरीके कुछ भी पता नहीं। दादा, औरतों को बेचना ये कहां की जमींदारी है? अच्छा है, इतने दिनों मुफ्त में रोटी तोड़ी और आज तुम्हारी भी आवाज निकलने लगी है। बोल लो, जितना बोलना है बोल लो। अब मैं सबकी बोलती बंद करने वाला हूं। लाखन को भेज दिया है मैंने उन दोनों को पकड़ कर लाने के लिए। कहाँ चली गई थी तुम? पूजो पंडाल, आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसीलिए। चलो। मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लिया? पापा और उनके आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। बस स्टैंड या स्टेशन कहीं जाना सेफ नहीं है। तुमने खाया? ये लो खाओ ना। अरे बाबू, मैं कैसे? आप जमींदार हैं और जमींदार की प्लेट से खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ये लो खाओ। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं, कोई पीसीओ ढूंढना पड़े, मुझे पुलिस से बात करनी। बस ऐसा ना हो कि पापा अपने पैसों से उन्हें भी खरीद। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों? बोलो ना बाबू, क्यों? मिष्टी में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मिष्टी में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सॉरी, आई नो मुझे ये सारी बातें अभी नहीं, देखो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहता। देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की है या सिर्फ इसलिए मुझे पसंद करती हो या नहीं, लेकिन देखो मैं तुमसे मैंने अभी तुमसे जो कुछ भी कहा ना वो सब भूल जाओ। अब टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। अब हमें यहां से चलना चाहिए, देर हो जाएगी।
कोलकाता के मिस्टर दास से बात कर ले, वो जो भी बोलते हैं मुझे बता। बाय। क्या हुआ? सैम और जो हमारी मदद करें वो मेरे फ्रेंड्स हैं। वो कोलकाता पुलिस की एक सर्च टीम को नरेंद्रपुर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें उसके बाद किसी शेल्टर किसी आश्रम में भेज दिया जाए। मुझे कोई आश्रम आश्रम नहीं जाना है। बेशर्मिया बर्बादिया, मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले चलो ना। है इश्क की शैतानिया ये फितूर जो सर पे लाखन छोड़, जीना भी फिर लाखन। मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, आगे मत बढ़ना। विनती कर रहे हैं हम, दादा ने हमें आप दोनों को वापस लाने को कहा है, मत रोकिए हम। रोका तो क्या कर लेगा तू तो नहीं सकते हम, लेकिन आप हमें रोक भी नहीं सकते। पास्ता बहुत हो गया, चल निकल गया। बचेगी नहीं मुझसे तुम, वापस आऊंगा और तुझको लेकर जाऊंगा, देख लेना तू। वापस आऊंगा मैं। मिष्टी आई लव यू। मतलब इसका मतलब पता है? इसका मतलब पता है? सैम का फोन था। कोलकाता पुलिस बिलीव करती है कि लाखन के इंसिडेंट के बाद हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं, उन्होंने हमें यहीं रुकने के लिए कहा है। वो जल्द से जल्द हमें दिल्ली भेजने का इंतजाम करते हैं। देखो माँ वापस अपने पति की बस कैलाश जा रही है। अभिजीत, एक लड़की के लिए तुम अपने बाप का नाम बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए हमने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजा था, ताकि तुम जब वहां से वापस आओ तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दो। तुम हमारा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाप, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन से मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया गया है, उन्हें सामान की तरह बेचना नहीं। बकवास बंद कर, तुझे कुछ पता भी है इसे और इसके परिवार को पैसों की कितनी जरूरत है? हमारे दिए हुए पैसों से इसके घर का चूल्हा जलता है।
आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोशल सर्विस करते? वाह, लेकिन आपके पास तो बहुत पैसे हैं ना, बहुत पैसे हैं आपके पास, फिर आप इन्हें बेचते क्यों? क्यों बर्बाद कर देते हैं इनकी जिंदगी? पापा मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूं, मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम अभिजीत सरकार है। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, मैं जा रहा हूं। पागल हो गया है तू? एक लड़की के लिए अपने बाप को छोड़कर भाग रहा है? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे, तुमने जो चाहा हमने वो किया, लेकिन अब हम तुम्हें और मनमानी नहीं करने देंगे। अफसोस के आप मुझे रोक नहीं पाएंगे बाबा, कलकत्ता से ऑलरेडी एक पुलिस की टीम निकल चुकी है नरेंद्रपुर के लिए, जो आपके सारे काले धंधों पर रेड मारेगी। मिस्टी के स्टेटमेंट में आपके पैसों से कहीं ज्यादा ताकत होगी। इट्स ऑल ओवर बाबा, हैप्पी पूजो, चलो। गवाही तो तब देगी जब ये जिंदा बचेगी। मिस्टी, अभिजीत, अभिजीत, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ये मैंने क्या कर दिया? बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल दुर्गा माँ जैसी। मुझे भी अपने साथ ले चलो बाबू। मिष्टी, अभी तुम्हारा काम बाकी है जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे बयान देना है। अभिजीत के घर में लड़कियों के खिलाफ हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट वो लड़ना चाहता था। In fact, उसने वो लड़ाई लड़ी भी और जीती। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसने बहुत कुछ खो दिया। उसने अपने आप को, अपने प्यार मिष्टी दोनों को खो दिया। But now the question is कि was it all worth it? It's because अभिजीत ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। He wasn't wrong. And in fact, अभिजीत जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसे अन्याय और ऐसे इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। But you know what the problem is? The problem is कि वो हमेशा अकेले रह जाते हैं।
इज बिकॉज उन्हें चाहिए आपका, हमारा, हम सबका सपोर्ट, क्योंकि हमारे सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते अकेले। एंड इनफैक्ट इज हाई टाइम कि हम सबको भी एकजुट होकर ऐसे इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। इज बिकॉज वी ऑल बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन पीस, वी बिलीव इन लव, डोंट वी। और जाने से पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं अभिजीत और मिश्ती जैसे एक कपल के फ्रेंड से। टिल देन कीप फॉलिंग इन लव गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। दोस्त मेरे ही गांव में रहने वाला था, गांव के सबसे अमीर आदमी का लड़का था, शहर से पढ़ लिख कर गांव आया था। एक दिन गांव में घूमते घूमते उसने एक लड़की को देखा और पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। पर जब उनके प्यार के बारे में उनके परिवार वालों को पता चला, वो उनके खिलाफ हो गए। लड़की के परिवार वालों ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और ये बात जब लड़के को पता चली, उसने लड़की को अपने दोस्तों की मदद से घर से आज़ाद किया और दोनों गाँव छोड़कर भाग गए। आज तक उनके परिवार वाले और गाँव वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर आप हम लोगों से बात करना चाहते हैं, हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी #ये है आशिकी।